44 लगा लो 2 घंटे के, और अभी काम बिजी है नहीं है मतलब ठीक है यार, चलती है उसमें गिर गया भाई स्कूटी में। Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. ऐसे रहेगी, मेरा टारगेट रहता है महीने की 20 से 25 वीडियो डालूं, ठीक है। मेरे बाल खराब हो रहे, रुको समेट लेता हूँ, फिर ऐसे हाथ मारूंगा, आप लोग बोलोगे बालों में हाथ मार रहा है, मार लिया, चलो ठीक है। तो भाई हाँ, आज की इस वीडियो में हम लोग अभी थोड़ी देर में करने वाले हैं ऊबर ईट्स, और कल ना मैंने वीडियो डाली थी तो लोग भाई बोल रहे हैं फालतू में कि गाड़ी तो दिखाई नहीं, बुक क्या करके आए हो, और ऐसे ना लोग जल्दी नाराज हो रहे हैं भाई आजकल, पता नहीं भाई क्या हो रहा है। मैं इतना क्लिकबेट करता हूँ क्या, सही बताओ, ठीक है। बहुत रेयर, अभी थोड़ा टाइम पहले से ही करना शुरू किया है क्लिकबेट मैंने भाई, इतने जब कोविड के टाइम में भी वीडियोज़ डालते थे उसके बाद भी मैंने भाई बहुत रेयर, जिसको बोल सकते हैं ठीक है, गिन सकते हो आप उंगली पे, इतना कम मैंने क्लिकबेट किया है। और उसके बाद भी अगर क्लिकबेट भी होता तो मैं लिख देता हूँ स्टार लगा के कि क्लिकबेट है, ठीक है। एक मेरी वीडियो थी गोइंग टू इंडिया, क्लिकबेट लिखा हुआ है, अभी भी जाके देख सकते हो आप लोग। और भाई मतलब सरप्राइज़ नहीं रख सकते क्या भाई कुछ है, थोड़ा सा सबर कर लो भाई। इसलिए मेरे को ये था कि मैं जाऊँ अपना आपको एक्सपीरियंस शेयर करूँ, खुशी हो रही है भाई दिल से कि गाड़ी बुक करी है, इतनी मतलब मेरे लिए तो भाई बहुत बड़ी चीज़ है ना भाई, है ना, कि गाड़ी बुक करी है भाई, अचीवमेंट है एक तरीके से। गाड़ी देखो मटेरियलिस्टिक चीज़ है, अचीवमेंट तब होएगा जब भाई एसेट खरीदेंगे कोई, है ना, जो फ़ायदेमंद होए, जो आपको वैल्यू प्रोवाइड करे, जो ज़्यादा डिप्रिशिएट ना हो, जो आप लोगों की इनकम में बढ़ोतरी दे, है ना, बड़े चीज़ें। विस्की की बोतल तो नहीं दिख रही ना, मैं मजाक कर रहा हूँ। तो हाँ, मैं ना इन चीज़ों के बारे में भाई बात नहीं करता, बट लोग ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं भाई, पता नहीं क्यों। जब थाईलैंड गए भाई मैं, वानी, नोनू और नितिन, हम तब भी लोग नाराज़ हो गए कि क्या दिखा रहे हो, ऐसे क्यों बोल रहे हो, थाईलैंड तो मजे करने के लिए जाते हैं, आप तो थोड़ा दिखा रहे हो कि यहाँ पर अलग ही है, आपको अच्छा नहीं लगा तो ऐसे मत बोलो वीडियो में। भाई जेन्युइन सी बात करिए कि यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग आते हैं, इतना ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, HIV वगैरह के चांसेस होने ज़्यादा हैं, ठीक है, कि मेरे को नहीं अच्छा लगा, ठीक है, ऑनेस्टली। अब मैं उसके अंदर ये बताऊँ कि हाँ भाई बहुत बढ़िया है यहाँ तो, आ जाओ तो लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं, बेस्ट है, बेस्ट प्लेस है भाई, जाती है दुनिया, आप लोग अपना मौज करते हो, अच्छी बात है, जिस चीज़ को करनी है वो करता है। बट मैं भाई एक 25 साल का होके, ठीक है, थोड़ा अच्छा अच्छा दिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। वो वीडियो डिमोनेटाइज हो गई जो थाईलैंड वाली थी, वो वाली स्पेसिफिकली की नाइट लाइफ इन थाईलैंड, जिसमें मैंने और वानी ने बात करी थी कि भाई लिटरली लड़कियां खड़ी थी भाई बिल्कुल लाइन में बीच के साइड में, भाई अच्छा थोड़ी लगता है यार ऐसे, ठीक है, वो लोगों का है जैसे बिजनेस को काम करने का है, बट मेरे को नहीं अंदर से फील हुआ। और तो हाँ, मेरे को नहीं अच्छा लगा था भाई एक्सपीरियंस तब, तो मैंने शेयर किया था अपना। इसका मतलब ये नहीं पूरा थाईलैंड को मैं गलत, बहुत अच्छा है भाई, बहुत ज़्यादा सुंदर है थाईलैंड, बट स्पेसिफिकली वो चीज़, ठीक है, अभी भी कोई कीबोर्ड वॉरियर हो तो पूरा थाईलैंड गंदा बोल दिया आपने, सुनो ध्यान से, ठीक है। प्लस जब मैं रिलेशनशिप में आया भाई तब भी नहीं अच्छा लगा लोगों को कि कोई ऑजी लड़की बटा लो ऐसे, मतलब मैं करता नहीं हूँ भाई ये सारी बातें, कि आप लोग मतलब दिख जाता है कि जो जो ये चीज़ें लिखते हैं ना उनकी सोच कहाँ तक है, ठीक है, उनको यही है भाई कि गोरी, समझ रहे हो ना बात को। तो फालतू का हेट भाई, आपको अपनी ब्लॉगिंग में हम अपनी आपको लिटरली 85% जिंदगी दिखाते हैं, 15% हमारी भी तो है भाई, हमारे को भी तो जीने का मौका होता है ना, हमारे पास भी तो वो होती हैं कि कुछ कुछ जो जो अच्छा अच्छा लगता है, जो जो मोटिवेशन होता है, जो जो हो रहा होता है हम लोगों के साथ, हम वैसा दिखाएं ना, कुछ कुछ चीज़ें होती है भाई जो पर्सनली रहनी चाहिए और वो अच्छा भी लगता है ना, कि मतलब कैसे बताऊँ मैं, समझ गए ना आप लोग। तो पता नहीं भाई बेफालतू में लोग इतना ज़्यादा ऑफेंड क्यों हो जाते हैं भाई इतनी जल्दी, ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले भी कोई कह रहा कि आप पहले वाले बढ़िया लगते थे, पहले जैसे आप लोगों की लाइफ थी, साइकिल पे घूमते थे, ऊबर करते थे, भाई तो मैंने यही मतलब ये थिंकिंग है मेरी कि भाई लाइफ धीरे धीरे बढ़ती है ना आगे फेजेस में, ठीक है, मेरे को भी अच्छा लगता था भाई, मैं ऊबर करता था साइकिल पे, ऊबर की वीडियो से पैसे भी ज़्यादा बनते हैं क्योंकि बड़ी वीडियो होती है, सीधी बात मैं बता रहा हूँ, जितने मैं ऊबर से कमा लेता हूँ ना उससे ज़्यादा मैं उस वीडियो से कमा लेता हूँ, ठीक है, जो मैं वीडियो कर रहा होता हूँ यूट्यूब पे, सच्ची बात बता रहा हूँ आप लोगों को। बट द थिंग इज़ कि सेफ्टी भी तो एक चीज़ होती है ना भाई, आज की इस वीडियो में आप देखोगे भाई एक भाई गिर गया हमारे सामने ऊबर करते हुए, आपको दिखेगी क्लिप्स आगे। द थिंग इज़ कि लाइफ का फेज़ होता है ना भाई एक, धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा खुद लाइफ चल रही है आगे, चीज़ें अचीव कर रहे हैं, चीज़ें लूज़ भी हो रही हैं काफ़ी सारी, तो वो सब दिखाना,
ठीक है, मेरे को पता नहीं भाई मैं सारी क्यों बातें कर रहा हूँ, बट आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इतना ज़्यादा ऑफेंसिव मत हुआ करो हर चीज़ को लेकर कि क्लिक बेट कर दिया, ओए इसने तो गाड़ी नहीं दिखाई, हमको तो बहुत बुरा लग रहा है। भाई मेरे को खुद पता है मैंने नहीं दिखा, मेरा इतना मन था ना दिखाने, बट भाई मेरे को वो नहीं है कि गाड़ी क्रैश हो गई, क्रैश क्या हुई, हल्का सा वो छिलका लग गया नीचे से, छिल गई है, मेरे साथ ये हो गया, पूरे व्लॉग में दिखाया नहीं भाई बंदे ने, ठीक है, जो भी एक्स वाई जेड जो भी सिर्फ व्लॉगर करते हैं कि बहुत तगड़ा क्लिक बेट है, वैसे तो नहीं करते ना भाई, हम करते हैं भाई, लोग अच्छी बात है करने तो, बट भाई क्यों भाई है, और मेरा तो क्लिक बेट भी नहीं था, मैंने तो साफ बताया मैं बुक करके आया हूँ, मैं तो स्क्रीनशॉट नहीं दिखाया है कि मैंने $2,000 भी भर दिए गाड़ी के, बट लोग बेफालतू में बुरा मान जाते हैं, पता नहीं भाई, चिल मारा करो यार, जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें टेंशन लेने के लिए, मेरे को भी कुछ सरप्राइज रखने दो भाई, मैं अभी तो दिखाऊँ धीरे धीरे करके जब भी आएगी, समझ गए ना। बाल देखो कैसे हो गए भाई, अभी आगे ऊबर वाला गिर गया चलती गाड़ी में, देखो भाग के गए हैं उसके पास, ये देखो भाई चलती गाड़ी में गिर गया, ऊबर चलती उसमें गिर गया भाई, स्कूटी में भाई, यार बिल्कुल ऐसे स्लो स्पीड पे दिखा मेरे को कि वो एकदम से, उसने राइट में आगे 3-4 गाड़ियां ऑलरेडी थी, तो एकदम से भाई ऐसे टर्न लिया और फिसल गई भाई ट्रैम लाइन के अंदर स्कूटी उसकी, स्लो स्पीड थी, गाड़ियां भी सारी स्लो थी, अच्छी बात है भाई, पर तेज होती सारी गाड़ियां तो भाई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, भाई बच गया, इसीलिए भाई मैं साइकिल पे बंद कर दी भाई ऊबर। भाई मस्त राजमा चावल खाते हैं अभी, ये पानी के लिए टिफिन में डाले थे हमने ग्रेप्स के साथ, पर वो कहती है मैं आलू की सब्जी लेके जाऊंगी, ये देखो हमने आलू आलू बीन्स की भी सब्जी बना रखी है, वेरी नाइस, तू खाएगा राजमा चावल है, कहते सुन कहता सुन नशे हो जाएंगे खा लिया तो, नशे हो जाएंगे बेटा खा लिया राजमा चावल तो मजा आ जाएगा, कहते देखो इसने मेरी चप्पल भी फाड़ दी, यहाँ से भी ये राजमा, फिर वो कहती आलू को भी लेके जा रही हूँ, मैंने कहा ठीक है मैं खा लूंगा, तो ये खीरा काट लिया, इस पे बेचारा राजमा लग गया ग्रेप्स पे, कोई टेंशन नहीं है खा लेंगे, और ये साथ में एम्पीरियल लेमनेड। भाई फोन की स्टोरेज फुल हो गई थी, हाँ मैं कह रहा था मैं खुद 2 बार गिर चुका हूँ भाई ऊबर करते हुए, साइकिल पे और स्कूटी पे, इसीलिए भाई मैं भी साइकिल पे अवॉइड करता हूँ कि भाई कर रहे हैं ठीक है, अच्छा है, व्यूज भी आ रहे हैं, करेंगे भी हम डीट है ठीक है, बट एक कहो नहीं एक बार ही चटका पड़ेगा भाई, और दिक्कत हो सकती है, बहुत बुरा लगता है। एक बार और हुआ था ऐसे कि हम जा रहे थे, पुलिस खड़ी थी भाई और चद्दर लेके खड़ी थी लंबी सी, दो पुलिस वाले, वो बंदा गिरा हुआ था ऊबर करते हुए, बहुत बुरा लगता है भाई देख रहे हैं, मैं क्या करें भाई, मजबूरी है भाई सबकी, बट थोड़ा सा ध्यान से क्या करो, बारिश वारिश हो रही है इतना मत भागो भाई ठीक है, 1 घंटा रुक जाओ, बारिश रुक जाए फिर कर लो डिलीवरीज, क्योंकि बारिश इतना नहीं है कि $10-$20-$50 के पीछे भाई, मैं जब पहली बार गिरा था मेरे को याद है कर पे गिरा मैं ठीक है, और जैसे कोल्स वाली जब पार्किंग में चढ़ उसमें चढ़ते हैं ना पेट्रोल स्टेशन में, वहाँ पे मैं गिर गया था, फिर मैं डिलीवरी देकर घर आया, फिर मैंने पैर पे देखा खून खून हो रहा है पूरे पेंट में, फिर मैं थोड़ा रोया उदास हुआ, फिर मैं कहा कोई बात नहीं दिस इज लाइफ, इसलिए भाई 2 पैर से बढ़िया 4 पैर, या तो गाड़ी पे कर लो ऊबर ईट्स या फिर हाँ समझ गए ना आप लोग, तो ध्यान से रखो अपना ध्यान करो, और तुषार भाई आप इतने बेशरम उतर के नहीं गए उस भाई के लिए, तो भाई वो उतने देर में खड़ा हो गया, वो साइड में जा चुका था जब तक मैं गाड़ी रोकी, जब तक मैंने गाड़ी रोकी लोगों ने उसकी हेल्प ऑलरेडी कर दी थी, मैंने पूछा भाई आई यू ओके, कहता हाँ, तो थोड़ा ध्यान रखा करो भाई। चलो अब हम थोड़ा राजमा चावल एंजॉय करते हैं विद ग्रेप्स विद केंजो, और भाई ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया तो हम टीवी नहीं देख सकते, आईपैड में देखते हैं कुछ। भाई देखो कितनी पुरानी डिफेंडर है, डिफेंडर ही लग रही है ना, बहुत छोटी लग रही है, हाँ डिफेंडर ही है, तो अभी घुमा रहे हैं थोड़ी देर, अंधेरा हो गया तो अभी थोड़ी देर वॉक करा के, क्योंकि भाई अभी ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है AFL, तो लोग काफी सारे घर पे होते हैं, और सैटरडे है और अच्छी ट्रिप्स आएंगी आज, और मैंने एक फन सी रील डाली इंस्टाग्राम पे, ये राइट में मेरा इंस्टाग्राम है, तो हाँ हाथ इधर मेरा इंस्टाग्राम है, नहीं राइट तो ये होता, हाँ इधर है इंस्टाग्राम, जाके आप लोग चेक कर सकते हो और हाँ फॉलो भी कर सकते हो। चलते हैं भाई ऊबर ईट्स करने के लिए, और कुछ ही देना भाई इसके साथ, चलो। तो $11 की डिलीवरी आई है करीबन 2.5 किलोमीटर के, और वो रेस्टोरेंट ऐसा है बहुत देर लगाता है, बट ठीक है पैसे बढ़ के आए हैं, इसका मतलब वो डिलीवरी काफी बार कैंसिल हो गई है, मतलब अब तक तो ऑर्डर रेडी हो गया होगा, मेरे को पता है, देखते हैं कितनी जल्दी मिलता है। कर दी भाई गाड़ी पार्क, तो भाई हमको भाई मिले हैं, कल भी मिले थे, कैसे हो भाई? तो बढ़िया भाई, आप बताइए कैसे काम कर रहे हैं, पुराने दिन याद दिला दिया आपने भाई, अब आपकी देख के हम लोग चल रहे हैं, क्या करें, कैसा चल रहा है काम? ठीक है आज, ऑल गुड है, आप बताओ आप? बढ़िया है, काम बिजी है नहीं है, मतलब ठीक है एवरेज, ठेके के बाहर खड़े होगे तो एवरेज ही रहेगा ना भाई? नहीं नहीं भाई नहीं पीता ना, ना गुड बॉय, बढ़िया चल रहा है, क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैं अकाउंटिंग। ओह नाइस, वेरी नाइस, कहीं देखे देखे लग रहा, छोड़ना पड़ेगा नहीं नहीं करते रहो भाई, ऐसे मैंने इन्फ्लुएंस इस तरीके से नहीं किया था किसी को कि छोड़ दो, नहीं नहीं बट स्टिल अब लग रहा है कुछ करना पड़ेगा यार, अकाउंटिंग में नहीं है कुछ भी, नहीं ब्रो जैसा ठीक लगे आपको डेफिनेटली, चलो थैंक यू भाई, थैंक यू।
तो भाई वो ट्रिप करने के बाद करीबन कितनी देर हो गई, 2 घंटे होने वाले हैं और $64 हो गए। कोई जीप चलती छोड़ गया, कोई है नहीं गाड़ी में। ये मिल गया हमको 7th ऑर्डर। तो भाई फर्स्ट डिलीवरी तो आराम से मिल गई थी जल्दी से, जो मैंने बोला जाके उठाऊंगा। मेरा फोन भाई फुल हो गया, अभी धीरे धीरे रुक रुक के मैं डिलीट करता गया। मैंने कहा आराम से करता हूँ, 2 घंटे में $64 हो गए हैं। क्वेस्ट चल रहा है 11 और 9 फ्री में मिले, मतलब प्रमोशन के पैसे थे, फ्री के क्या मेहनत ही कर रहे हैं। तो लगा लो बिना प्रमोशन के 44 लगा लो 2 घंटे के, और अभी एक उठा लिया, अभी एक और उठाना है। 12 डिलीवरीज पे टोटल 45 मिलेंगे। यहाँ से ऑर्डर आया भाई टाको बेल के आगे KFC से, और हम लोग पहले इस वाली स्ट्रीट पर आ करते थे, ये चर्च के उधर स्ट्रीट पे अंदर। इतना कूड़ा पड़ा भाई, दीदी ने आधा घंटा लगा दिया इस ऑर्डर पे। Have a good night. Take care. Thank you, bye. भाई अंधेरा इतना है ना, कुछ दिखता ही नहीं, फ्लैश के बिना तो कुछ दिखता ही नहीं भाई, अभी गिर जाता मैं। डिलीवरी नंबर 10।